रंग बिरंगे पोशाकों और खूबसूरत मेकअप के बिना गरबे का उत्साह और गरबे की रौनक अधूरी सी लगती है। तो इस बार नवरात्रि में अगर आप भी गरबा कर रहे हैं और कंफ्यूजन में हैं कि किस तरह का मेकअप करना है, तो हम करते हैं आपकी मदद, क्योंकि हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि किस तरह का मेकअप आप कर सकते हैं इस बार गरबे में और चार चांद लगा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस में भी। गरबे के लिए किस तरह का मेकअप ट्रेंड में है? गरबे को लेकर के आप देखेंगे लड़कियों में बहुत शौक होता है, और जो मेकअप अब इस साल जो ट्रेंड में है वो नेचुरल लुक भी है, साथ में थोड़ा सा ग्लैमरस लुक भी है, प्लस कलर का प्रॉपर यूज भी है। सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा आंखों के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप आप बताएं कि बेस से कैसे स्टार्ट किया जाता है और लंबे समय तक मेकअप को कैसे टिका सकते हैं। सबसे पहले चेहरे को प्रॉपर क्लींस करें। क्लींस करने के लिए हमेशा वेट टिश्यूज का यूज कीजिए, वो आपके पोर्स को क्लोज भी करेगा और आपके मेकअप को बेस भी देगा। उसके बाद हमें प्राइमर यूज करना चाहिए, देन फाउंडेशन का हम सिलेक्शन करें, क्रीम फाउंडेशन यूज कीजिए और उसके ऊपर पाउडर फाउंडेशन से उसको कोट कीजिए, तो वाटर प्रूफिंग आपको मिलेगी। ब्लेंडिंग प्रॉपर हमको करनी है, ब्लेंडिंग करते ही हमारे पोर्स क्लोज हो जाते हैं और स्वेटिंग नहीं होगा। ये जो फेस है इसमें हमें कंसील करना है अंडर आई को, फेस को, और प्रॉपर से हम इसमें फाउंडेशन कंसील लगाएंगे। दोनों कंसीलर्स हैं, बट ये हमारा पाउडर फॉर्म में है, बट क्रीमिश ही होता है ये। तो ये जब हम लगाते हैं हमारी स्किन को वाटर प्रूफिंग देता है। जब हम इन फाउंडेशन को लगा करके और इस पाउडर को हल्का सा डैप कर देते हैं तो हमारी स्किन की वाटर प्रूफिंग हो जाती है। और फिर ये जो हमारा पाउडर फॉर्म में है इसको हम लेकर के सिर्फ डैप करेंगे, टेक्निक होती है डैप करना, डार्कर की तरफ ब्लेंड करेंगे, डार्क से लाइट नहीं जाएंगे। आई मेकअप में हमें जो सेलेक्ट करना है कलर्स जो भी हमें करने वो यूज करेंगे। कलर्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है काजल। काजल को हम कलरफुल वे में यूज कर सकते हैं, पिकॉक ग्रीन, बॉटल ग्रीन, इस तरह के काजल्स हम यूज किए जा सकते हैं। प्लस मस्कारा का जो हम यूज करेंगे, थिक कोटिंग ऑफ मस्कारा, जिससे लैशेज हमारी अच्छी दिखे, लॉन्ग दिखे और बढ़िया दिखे हमारी। उसमें लिपस्टिक का जब हम सिलेक्शन करेंगे तो लिप लाइनिंग बोल्ड करना है, फिर लिपस्टिक को फिल करना है, क्योंकि उससे हमारी लिपस्टिक कम से कम 8 से 10 घंटे रहेगी। काजल अगर हम ऐसा वाटरप्रूफ यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होता है, बट एक बहुत अच्छा टिप आपसे शेयर करना चाहेंगे, जो हमारा जेल आईलाइनर होता है उसी को हम काजल की तरह अगर यूज करते हैं तो हमारा काजल बहुत देर तक रहता है। मेकअप करते समय एक तो जो मेन गलती मैंने देखी, लोग फेस पैक लगा लेते हैं पहले। अगर आप फेस पैक लगा लेते हैं तो आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, फिर हम जब मेकअप उसको करते हैं तो मेकअप में ब्लेंडिंग के समय हल्की सी वार्मथ मिलने के कारण फिर से वो एक्सपैंड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मेकअप कम देर टिकता है। तो हमें ये नहीं करना है। लिप ग्लॉसेस अगर हम यूज करते हैं तो हमारी लिपस्टिक बिल्कुल टिकती नहीं और बहुत जल्दी निकल जाती है हमारी। मेकअप करने के बाद फेस पे ग्लो आता है, कुछ चीजें उसके लिए यूज की जाती हैं, तो वो क्या चीजें होती है? देखा जाए तो हमारा जो नेचुरल सीबम है स्किन का, वही ग्लो देता है। तो आप जब मेकअप लगाएं उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश का यूज प्रॉपर से करें। जैसे हम शू पॉलिश करते हैं, पॉलिश लगा के जैसे ही हम ब्रश घुमाते हैं स्किन हमारा जूता शाइन करता है, ऐसे ही हमारा स्किन है। अगर हम प्रोडक्ट लगा करके हल्का सा ब्रश उसके ऊपर ब्लेंड करेंगे तो हमारी स्किन बहुत शाइन करती है और हमें अलग से पिगमेंट्स और शाइनर प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं होती है।